कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब, आपसे हमारी अपील है। मैं एक देशवासी हूँ, एक कॉमन मैन आपसे अपील करने जा रहा है। और अपील क्या है बताएं? जिस कॉलेज में हिजाब के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है वो लीगलाइज हो तो एक माना जा सकता है कि भाई तुम लीगल लड़ रहे हो, आप कोर्ट में जा रहे हो या फिर किस तरह से एप्लीकेशंस कर रहे हो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, लॉ एंड ऑर्डर के राइट्स है, उस तरह से अगर कर रहे हो तो एक बात ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो वायरल होते जा रहा है, एक बच्ची के सामने कई सारे स्टूडेंट्स की भीड़ आती है और नारेबाजी करके उसको डराने की कोशिश कर रही है। राजनीति वाले लोग इतना कचरा कर दिया है ना कि कॉमन मैन जिए कैसा और खाए कैसा और धोए कैसा वही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कह रहा हूँ कि उन स्टूडेंट पे एक्शन लो, उन बच्चों को बस उकसाया गया है, भड़काया गया है, नारे लगाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया पता नहीं, लेकिन उनके पीछे के जो भेड़िए हैं ना, उन भेड़ियों को जब अपने घर के कोई बच्चे के ऊपर हालात होंगे ना, ये उस घर के मर्द को पूछेगा कि वो किस तरह से आज इस वीडियो को देख के क्या फील कर रहा होगा। कहाँ लेके जा रहे हो अपने देश को यार? उन जवानों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि मत पड़िए किसी के कहने पे, किसी के कुछ भी कहने पे मत पड़िए। बहुत बड़े बड़े बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चंद वक्त की आपकी ज़रूरतें पूरे करेंगे। महाराष्ट्र के एक मुसलमान की रिक्वेस्ट है कर्नाटक के स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, इस हालात को आप जल्द से जल्द सुलटाएं, निपटाएं, सुलह करें। अगर कोई भी एक लड़की को हाथ भी लगे और किस तरह से कोई हालात पैदा हो गए तो आप नहीं सोच पाएंगे कि क्या होगा। रिक्वेस्ट है आपको साहब, जल्द से जल्द इस पर आप जल्द से जल्द फैसला लें और इसका रास्ता निकालें। और मेरे जितने हिंदू भाई हैं ना पुणे में, महाराष्ट्र में, उनको सलाम करता हूँ। सलाम, मैं महाराष्ट्र में मेरा बचपन, मेरी बात करूंगा मैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह से हालात नहीं देखा। एक लड़की पे जाती मेरा हिंदुस्तान का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, एक लड़की पे हो रहे अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मेरे देश की शान है। और जो कुत्तों ने इन बच्चों को उकसाया ना, तुम में दम है ना, एक हाथ आ जाओ मैदान में, एक हाथ मैदान में। तुम गांडूलों को साले जो इन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हो, भड़का रहे हो, उकसा रहे हो, पैसों के दम पे ना, तुम में दम नहीं है। तुम वो भेड़िए हो जो छुप छुप के शिकार करते हो और उन बच्चों को टारगेट कर रहे हो। तुम गांडूलों को जो जात धर्म के नाम पे ना इस तरह से हरकतें कर रहे हो, समझे? मर्द हो ना तो मर्द के जैसे आओ। नौजवान बच्चों को, भले वो कोई भी धर्म का हो, इस्तेमाल मत करो अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपने स्टंटबाजी के लिए। और जो बच्चे स्टूडेंट हैं, उन लोगों को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन कुत्तों के लिए मैसेज है। और महाराष्ट्र में आओ और हमारी शान देखो महाराष्ट्र की क्या है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता, और हो भी गया ना तो शाम में ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे को मिलते हैं गले। इतनी कट्टरपंथी तो हमारे यहाँ पे है भी नहीं, तो बड़े गर्व से कहने को दिल कहता है जय महाराष्ट्र। और ये हकीकत है, हमारे यहाँ के लीडर है ना, बस राजनीति करेंगे जबान से, लेकिन हरकतें उस तरह से नहीं करेंगे हिंदू मुस्लिम वाले। ये मेरे महाराष्ट्र की शान है। नारे लगाने से किसी को डरा देंगे या धमकाएंगे, भाई तुम कुछ नहीं उखड़ पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो तुम बदल नहीं सकते, ना कोई बाप किसी का बाप बदल सकता है। आंखों से देखते हुए अगर अंधे बनोगे ना, तकलीफ में आओगे। और खुदा का खौफ, भगवान का डर, ईश्वर का फटका, ये जाया नहीं जाएगा, उसको किस नाम से भी बुलाओ, ज़रूर पड़ेगा। और वैसा वैसा नहीं पड़ेगा, जिन्होंने अति किया ना, वो बोलते हमारे मराठी में मन है, जेनी केला अति त्याची झाली माती।